मान लीजिए आप L&T से फाइनेंस किए हैं और किसी कारण बस बाउंस हो गया, और या आपको पेमेंट करना हो, किस तरह पेमेंट करेंगे चलिए आज जानते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोन ब्राउज़र ओपन करना है, जिसमें आपको L&T सेल्फ हेल्प लिखना है। सबसे पहले LST करके आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके सेल्फ हेल्प करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। आपको सबसे पहले वेबसाइट पे क्लिक करना है सिंपली, और नीचे इसे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप कुछ भी अपडेट भी कर सकते हैं। पे योर EMI पर क्लिक करना है आपको, सेकंड ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं लोन डिटेल वाले ऑप्शन पे। तो इसे पर सिंपली क्लिक करना है। पे योर लोन EMI ऑनलाइन, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। लोन एग्रीमेंट नंबर, ये आपके लोन अकाउंट नंबर ही लोन एग्रीमेंट नंबर होता है, जो कि आपको L&T की तरफ से मैसेज के माध्यम से भी मिल जाता है। अगर आपको लोन अकाउंट नंबर नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह लोन अकाउंट नंबर निकाला जाता है। तो सिंपली लोन अकाउंट नंबर लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को हम जैसा है वैसा ही फिलअप करेंगे। कैप्चा कोड को लिखने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, कुछ सेकंड हमें वेट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह का पेज फिर से खुलेगा, जहाँ आपका नाम रहेगा और कितना पैसा आपका ड्यू है या बाउंस हुआ है या EMI कितना है। इस तरफ आपका लोन अकाउंट नंबर और इस तरफ आपका नाम डिटेल, इसे सबमिट कर देना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपका जो है अमाउंट, आप कितना पेमेंट करेंगे, EMI वाला करेंगे, EMI वाला, या आप जो आपका बाउंस हुआ है या एक्स्ट्रा चार्ज है उसे पेमेंट। तो मैं एक बार में ही टोटल पेमेंट कर देता हूँ, 3,910 रुपये। और यहाँ आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, जो आपको L&T में आपने रजिस्टर करवाया था वही आपको मोबाइल नंबर दे देना है तो अच्छा रहेगा। इसे सिंपली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डिटेल वेरीफाई करके आपको कुछ पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा, यानी कि जो आप पेमेंट एक्सेप्ट किए हैं यानी कि लिखे हुए हैं। तो आप QR कोड कर स्कैन करके अदर्स मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, या UPI नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए। तो मैं UPI के जरिए देखता हूँ, या तो UPI लिखना पड़ेगा ID, उसके बाद अदर्स मोबाइल से करना से अच्छा होता है। एक ही मोबाइल से UPI पेमेंट ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐप को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मैं कार्ड से ही पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि कार्ड में OTP आएगा। तो सिंपली कार्ड नंबर लिख लेते हैं। चलिए, आपके पास कोई भी कार्ड हो, रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड, कुछ कोई भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नंबर लिखने के बाद CVV नंबर और एक्सपायरी डेट आपको लिख लेना है। ये आपके CVV नंबर कार्ड के पीछे मिल जाएगा, एक्सपायरी डेट कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है। सिंपली इसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करना है। ये देखिए कुछ रिडायरेक्ट कर रहा है बैंक वाले पेज पे, यानी कि जिस बैंक का भी आप कार्ड दिए हैं वो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना डिटेल के लिए। तो ये देखिए मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड से पेमेंट करना हो, ये देखिए मैसेज भी आ चुका है, यानी कि OTP। इसे OTP को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ हम लिख देते हैं, या पेस्ट भी करने से होगा। चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपको कुछ सेव करने का ऑप्शन आएगा, इसे कट कर दीजिएगा और यहाँ आपका पेमेंट प्रोसेस हो रहा है। आपको रिडायरेक्ट भी नहीं करना है, रिफ्रेश भी नहीं करना है, आपको वेट करना है कुछ सेकंड तक। और ये देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट स्टेटस सक्सेस, और ये मैसेज भी आ चुका है बैंक की तरफ से कि आपका इस कार्ड से पेमेंट किया गया है, जो कि 3,910 रुपये 630 रुपये 76 पैसे अभी अकाउंट में बचे हुए हैं। तो इसे सिंपली सेव एज़ PDF में नीचे क्लिक करना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, इसे ओपन करेंगे, यहाँ आपका सारा डिटेल रहेगा। इस तरफ आपका जो है कॉन्टैक्ट डिटेल, पेमेंट ट्रांजेक्शन ID, ट्रांजेक्शन, आपको इसे डिलीट नहीं करना, इसे डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी L&T वाले कॉल करते हैं वो कॉल करके आपको ट्रांजेक्शन नंबर बताना है, ताकि आपका पेमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाए। और 24 घंटे में आपका ये जो है आपके लोन अकाउंट नंबर, आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आ जाएगा। स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।